अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिड टर्म क्विज़ की तैयारी आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो वीडियो जो है आपने पूरी एंड तक के देखनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, COVID-19 की वजह से लास्ट सेमेस्टर में भी जो आप लोगों के मिड टर्म होते हैं वो आपके मिड टर्म की जगह क्विज़ हुए थे, ठीक है। और फाइनल टर्म जो है कुछ भी हो जाए वो आपके सेंटर में ही होंगे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है COVID-19 की वजह से कि आप लोग के जो मिड टर्म है उसकी जगह इन्होंने एक स्पेशल असाइनमेंट या उसको आप क्विज़ कर लीजिए, ठीक है। तो वो आप लोगों के क्विज़ होंगे, यानी आपके मिड टर्म नहीं होंगे, उसकी जगह आप लोग के ऑनलाइन घर में आपके क्विज़ होंगे। अब क्विज़ में होता क्या है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने इसके अंदर MCQs होंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जो अपना LMS ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट में जाकर थर्ड नंबर पर आपकी अनाउंसमेंट आई भी होगी कि आप लोगों के जो है COVID-19 की वजह से आप लोगों के मिड टर्म क्विज होंगे, ठीक है, मिड टर्म की जगह, ठीक है। तो डेट शीट जो है वो आप लोगों की आ जाएगी 16 दिसंबर को, और आपके मिड टर्म क्विज जो होंगे वो आपके 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के दरमियान होंगे, यानी सारे कोर्सेज के जो है वो कोर्सेज इस डेट के दरमियान होंगे, 26 जनवरी 10। अच्छा, अभी ज़रूरी नहीं यही हो, क्योंकि माइंड भी कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे डेट हो जाए, ठीक है, तो वो चेंज करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके अनाउंसमेंट की और डेट की कि आप लोग एग्ज़ाम कब है। अब चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, किस तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है। तो देखें, सबसे पहले जो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्योंकि ऑफिशियल लेक्चर है वो लें। अगर आप वो नहीं ले सकते तो वीडियो में काफ़ी यूट्यूबर्स ने शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए, आप उनकी जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वो आप देख लें, वो आपके नॉलेज के लिए आपको लेना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि वीडियो की जो ऑफिशियल लेक्चर है वो आप लें और साथ साथ शॉर्ट लेक्चर भी ले लें ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप वो नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप जो है पास पेपर की तैयारी करें, पास्ट पेपर की तैयारी करें और फिर कुछ अटैम्प्ट करें। अब आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि आप अगर लेक्चर्स ले भी लेंगे ना और पास पेपर नहीं देखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि देखें इन लोगों के जो पास पेपर हैं उससे MCQs रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी कि आप लेक्चर्स ले भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और पास पेपर नहीं देखेंगे तो तब भी आप लोगों के जो मार्क्स ख़राब ही आएंगे, वो इस तरीके से कि इन लोगों के काफ़ी जो MCQs होते हैं वो जो हैं नोट्स से तो होते हैं, लेकिन एक का दुख का भी आपके बुक से होते हैं, लेकिन जो आपके पास पेपर होते हैं उसमें बगैर क्वेश्चन भी होते हैं और MCQs के आंसर भी होते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाती है अपनी तैयारी करने में। तो आप लोगों को चाहिए कि पास पेपर ज़रूर देखा करें, ठीक है। और अगर आप कुछ भी ना ले सकें ऑनलाइन लेक्चर वगैरह, तो एटलीस्ट आप पास पेपर ज़रूर देख लें, आप लोग के आराम से 30 में से 20 या 21 बार आंसर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने करने का ऐसा, अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता वो जाते हैं पेट की तरफ से कि हम पेट आप हमें पे करें, हम आपका MCQ सॉल्व करेंगे। तो उसमें मेजॉरिटी के साथ फ्रॉड होता है, या फिर अगर किसी का फ्रॉड भी ना हो तो कुछ के आपको जो है रिजल्ट आता है तो अच्छा नहीं आता, तो ये होता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप पेट की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि आप खुद ही MCQs करें, कुछ ना कुछ तो मार्क्स आए जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लेक्चर ले लें, अगर लेक्चर नहीं ले सकते तो एटलीस्ट पास पेपर ज़रूर ले लें, उसमें कुछ बैकअप पर अपनी तैयारी करके रखें, थोड़ी बहुत नोहा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका तरीका। दूसरा तरीका कि आपके पास आप एक काम करेंगे, गूगल पर जाकर आप टाइप करें व्यू क्विज अलाउ कॉपी क्विज एक्सट्रैक्शन, जो भी आपको कॉपी पेस्ट की एक्सट्रैक्शन मिल जाए वो आप करें। आपको देखनी है पूरी वीडियो के एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो हैं वो आप जाकर देख लें, ठीक है। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है और ये बहुत आसान है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे और ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ एक्सटेंशन में डाउनलोड हो जाएगी। आप देखें यहाँ व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें मैं इस पर क्लिक करूँ एक्सटेंशन पे, तो आप देखें मेरे पास कितनी ढेर सारी एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हुई यहाँ पे अलाउ राइट के लिए, यानी अगर मुझे कॉपी नहीं कर रहा है एक्सटेंशन। अच्छा, एक और बात कि रिसेंटली जो है लास्ट सेमेस्टर में व्यू ने कुछ एक्सटेंशन ब्लॉक कर दी थी, ठीक है, और कुछ काम कर रही हैं। तो आप सारी ट्राई करके देख लीजिएगा, जो आपकी जो है चले उसको आप कर लें, सिर्फ बाकी डिलीट कर दें। मैंने भी काफ़ी सारी डाउनलोड की हुई हैं। ये है एक अलाउ राइट क्लिक, इससे क्या होता रहेगा राइट क्लिक, यानी अगर उन्होंने ऑफ भी किया होगा तो इसको ऑन कर देगा। यह है कॉपी पेस्ट, इससे मेरी कॉपी हो जाएगी, ठीक है, इसको छोड़ दें आप। और यह है सिंपल अलाउ कॉपी, यानी 3-4 मैंने अपनी बैकअप पर रखी हुई है और व्यू अलाउ को इस कॉपी, तो ये चारों करती हैं वर्किंग ना मेरी। तो जैसे ही मेरा MCQ ओपन होता है तो मैं सिंपल इस पर ऐसे फर्स करें, यहाँ का MCQ लिखा हुआ है, सिंपल मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करके ऑटोमेटिक वो मेरा नेक्स्ट पेज पर जो है वो खोल देगा उसका आंसर, मगर सर्च कर लेगा उसको, तो उससे क्या होगा उसको मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। एक तरीका आपने ये करना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है। दूसरा तरीका क्या, वो ये कि आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है व्हाट्सअप ग्रुप पर जितने भी हों, एक सब्जेक्ट फर्स्ट करें CS 201 होता है, उसके अगर 5 ग्रुप है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब आपको अगर ग्रुप
नहीं मिलना व्हाट्सएप ग्रुप का तो मसले वाली बात नहीं है, आप गूगल पर जाकर टाइप करें व्हाट्सएप ग्रुप व्यू के, आप एक लिंक आ जाएगा, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लिंक बन जाएंगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उस लिंक को ज्वाइन कर लें और उस पर मैसेज कर दें कि मुझे इस सब्जेक्ट का लिंक चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना हो सके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, तैयारी भी कर ली, बेशक आप जैसे भी करें, शॉर्ट लें, लॉन्ग लें, पास्ट पेपर करें, ये आपका एक तरीका होगा। दूसरा ये है कि आपके पास वीओ क्विज एक्सटेंशन होनी चाहिए, और तीसरा ये कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों जिसका आपने क्विज करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो जाए फिर आपने क्या करना, जब आपकी डेट आए कि आपकी जब डेट आए कि आपका क्विज है, फर्स्ट करें आपका CS 301 का आपका क्विज है, आपने आज करना, तो आप क्या करें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो दोस्त हैं उनसे बातचीत करें। अगर आपके दोस्त नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई होंगे आपके 301 के, तो आप उनसे बात करें, एक दूसरे की हेल्प करें, पहले आप करें फिर वो करें, इससे क्या होगा आप लोग वो आपको गाइड भी कर देगा आंसर, तो आप लोग इस तरीके से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप पढ़े भी एक्सटेंशन करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी करें, इससे क्या होगा आपके एटलीस्ट 20 से कम तो मार्क्स नहीं आ सकता अगर आप ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, और 30 से 20 कोई बुरे मार्क्स नहीं है, और जब पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, फिर आपके 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेहतरीन ऑप्शन, ये मैं यही करता हूँ, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट में 20 से ऊपर ही होते हैं, 27, 25, 22, 23 तो ऐसे ही होते हैं, कुछ में बहुत ही मसला हो गया तो बहुत कम होते हैं, अगर इसमें बहुत सब्जेक्ट हार्ड हो तो उसमें 18 आ जाते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये भी आते तो बहुत हैं, तो सिंपली पेट की तरफ ना जाएँ आप, अपनी मेहनत से करें जो करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपने ये करना, आप थोड़ा और मैं कंक्लूजन कर दूँ किस तरीके से करना है। जब आपकी डेट आए तो आपने जो है कंप्यूटर खोलना है या लैपटॉप खोलना है या सेलफोन, मैं कोई एडवाइस आपको ये करूँगा कि आप सेलफोन पे ना करें, आप डेस्कटॉप पे करें, लैपटॉप पे करें। उसका फ़ायदा क्या, उसका फ़ायदा ये है कि आप जब लैपटॉप पे खोलेंगे तो एक तो आपके पास स्क्रीन होगी, ठीक है, स्क्रीन पे आपके पास एक जगह एक्सटेंशन होगी, जैसे ही आपका कोई जाएगा आप वैसे कॉपी करेंगे, यहाँ सर्च भी करते रहेंगे, और हाथों हाथ आपके हाथ पे सेलफोन होना चाहिए, सेलफोन से पिक्चर लें और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। अगर आपके पास 4 ग्रुप 5 ग्रुप 5 ग्रुप में सेंड कर दें, सबसे पहले आपने LMS खोला, ठीक है, कोई जाया आपने पिक्चर ली, व्हाट्सएप ग्रुप में 5 ग्रुप में सेंड कर दें, उसके बाद आपने क्या कॉपी किया पेज के, यहाँ पर सर्च करते रहे, यहाँ पर चल रहा होगा 100 सेकंड का टाइम होगा, आप सर्च करते हैं कितने इतने में मिल गया, तो ठीक है आप देख लें इसका आंसर यही है, पर ग्रुप चेक करें कि आंसर आ रहा है, जिस ग्रुप में ज़्यादा आंसर हो, जिसके ज़्यादा वोट हो, आप वो आंसर सेलेक्ट कर लें। सम टाइम ऐसा भी होता है लोग मार होते हैं तुक्के, तो आप टोटली उस पर बिलीव नहीं कीजिएगा, जो आप नेट पर सर्च कर रहा हो आप वो कर ले, आप वो सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो इस तरीके से क्या होगा आप लोग के कुछ चांसेस नहीं जाएगा कि यार ये है ये है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें मालूम होता है ये 100% है, तो इस तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, मेथड है जो मैंने देखा है कि बाकी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मैं भी यही करता हूँ कि एक्सटेंशन भी यूज़ करता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर एक टाइम पे मैं सेंड करता हूँ, तो वहाँ से भी आंसर आते हैं, मैं खुद भी सर्च करता हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, तो मुझे आज तक किसी ना पेट की तरफ जाना पड़ा ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स लेनी पड़ी। हाँ, मैं थोड़ा बहुत लेक्चर ज़रूर ले लेता हूँ, अगर लेक्चर ना भी हो तो मैं ये फॉलो करता हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, जैसे कि फिजिक्स 101 सब्जेक्ट है वो काफ़ी अजीब है, टीचर तो अच्छे हैं लेकिन नोट्स काफ़ी इनके अजीब हैं और कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन टीचर अच्छे हैं, तो उसमें ये होता है कि उसके कोई बड़े अजीब गरीब थे, तो उसमें यही किया था, ग्रुप में भी किया और देखा तो उसमें 25 में से 18 तो आ ही गए थे, तो इस तरीके से आप करेंगे मुश्किल सब्जेक्ट होगा तो इसमें इतने मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे ऐड की, तो ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से करनी तैयारी, तो ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप आराम से क्विज कर सकते हैं, मैं 100% गारंटी देता हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके मिनिमम 60-70% तो मार्क्स आ ही सकते हैं, अगर आप पढ़ के तैयारी करेंगे 100% कह सकता हूँ, मैं कर चुका हूँ कि मेरे भी एक सब्जेक्ट में 26 से 27 मार्क्स तो आए थे 30 में से, तो करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल इसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।